मैं हूँ स्वाति पारासर और स्वाति की पावन रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बची हुई रोटियों का, रात की रोटियों का नाश्ता बनाऊंगी। बहुत ही स्पेशल और चटपटा नाश्ता है, आपने इसके पहले कभी नहीं खाया होगा। तो ये देखिए 6-7 रोटियाँ हो गई हैं, ये करीब 7 रोटी बची हैं। और मैं इसको पहले मिक्सी के जार में अच्छे से पीस लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये हमने पीस लिया है बारीक अच्छा। और अब हम इसमें 3 आलू हैं जो कि मैंने उबाल के और इनको छील लिया है। एक बड़ा आलू था जो कि आधा करके उबाला है इसे, ये 3 आलू लिए हैं मैंने इस तरीके से। अब मैं इसको आलूओं को इसमें ग्रेट करके डाल दूँगी। आप इसे मैश भी कर सकते हैं हाथ से, इससे क्या होता है बिल्कुल एक जैसे आलू रहेंगे। देखिए इसमें हम क्या मसाले डालेंगे। ये मैंने एक टमाटर बारीक काटा हुआ है, छोटे छोटे बारीक काट लीजिए, छोटा सा एक टमाटर। और ये जो है मैगी मसाला है, एक चम्मच, छोटे चम्मच से। ये 1.5 चम्मच जीरा है जो कि मैंने भूज के तवे पे और पीस लिया था। और ये जो है मिर्च है, एक चम्मच मिर्च है पिसी हुई लाल। हल्दी पाउडर है आधा चम्मच, छोटे चम्मच से। और ये जो मैंने चावल का आटा लिया है, जिससे हमारे जो स्नैक्स हैं इसके बहुत अच्छे कुरकुरे बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे, ये 2 छोटे चम्मच जो है चावल का आटा है। और ये हरी मिर्च ली है मैंने, 3-4 काट ली है। हरा धनिया है, और ये काला नमक लिया है, और काली मिर्च पीस ली है, काली मिर्च है। और ये सादा नमक है, तो आधा आधा चम्मच मैंने नमक ले लिया, आधा चम्मच काला नमक और आधा चम्मच जो है ये सादा नमक अपना। और ये अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया है, आधा जो है हम नींबू निचोड़ के इसमें आधा डालेंगे। तो चलिए पहले हम इसमें मसाले डाल देते हैं। मैंने आलू को तो ग्रेट कर लिया था, आलू डाल दिया। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी, हरी मिर्च, और ये काला नमक, काली मिर्च, हल्दी डाल देंगे, मैगी मसाला, और ये जीरा पिसा हुआ, लाल मिर्च, हरा धनिया, और अदरक, और ये चावल का आटा। और आप इसमें नींबू निचोड़ दीजिए, और एक बारीक प्याज काटेंगे जो कि मैं अभी काटना भूल गई हूँ, तो हम इसमें प्याज डाल देंगे बारीक कटा हुआ एक। अब हम इसमें एक प्याज मिला देंगे बारीक कटे हुए, और इनको सबको अच्छे से मैश कर। देखिए इस तरीके से डो बना लीजिए। और अगर आपको ऐसा लगे कि आपका ये सूखा हो रहा है, डो नहीं बन रहा, तो आप चाहे तो इसमें 1-2 आलू और ग्रेट करके मिला लीजिए। और अगर आलू नहीं है तो आप थोड़ा सा पानी का छींटा देके इसे इस तरीके से डो बना लीजिए अच्छे से। ये देखिए अब हम तेल का हाथ लगा के, और इसके आप चाहे तो कटलेट जैसे बना लीजिए, और आप चाहे तो वैसे जो भी शेप में हो वैसे बना सकते हैं। ये देखिए तेल का हाथ लिया आपने, और आप इसको ऐसे शेप दीजिए इस तरीके से। ये इस तरीके से छोटी सी लोई ली हमने, ऐसा लंबा किया इसको, और हल्का सा हाथ दबाते हुए इसे ऐसे शेप दे दिया। ये देखिए इस तरीके से
पहले छोटी सी ऐसे लोई के लेके ऐसे लंबा किया आपने और बस ऐसे किया और ऐसे दबाते हुए सेक दे दीजिए ऐसे। चढ़ा दिया है गैस पे और गरम हो गया है तेल हमारा। अब हम ये इसमें ये डाल देंगे हमारे फ्लेम हमको मीडियम ही रखना है कि तेल हमारा अच्छा गरम हो गया है, उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। आपको धीरे से ही पलटना है, थोड़ी देर ये हो जाएगा फिर एक मिनट बाद इसको पलट देंगे। देखिए मैंने इसको पलट दिया है और ये देखिए कितने अच्छे हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन दिख रहे हैं ये अच्छे। ये देखिए बहुत अच्छे से सिक गया है और हम इसको निकाल के दूसरा डाल देते हैं। ये दोनों तरफ हमारे अच्छे सिक गए हैं, ये देखिए। देखिए और भी मैंने इसमें डाल दिया है और फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। तो देखिए बची हुई रोटी का हमारा टेस्टी और चटपटा नाश्ता तैयार है। और आपकी रोटियां जैसे रात की बच जाए तो आप सुबह भी बना सकते हैं और ये बहुत ही कुरकुरा और देखिए कितना अच्छा बना है और सॉफ्ट है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ही अच्छा टेक्सचर दिख रहा है। और आप इसे आप चाहें तो इसे अमचूर या इमली की चटनी से इसे खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है, बच्चों को बड़ों को सभी को बहुत पसंद आएगा और आपकी बची हुई रोटियां भी यूज़ हो जाएंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।